आपने सही पकड़ा है कि ये जो गैम्बलिंग एक्ट जो है ये कानून बना के रखा हुआ है, इसलिए ये गैम्बलिंग जो है ये बैन करने का नहीं है, कानून में यही इलीगल है। तो इसको कोई भी हालत में खेलना वो ओपेंस ड्रॉ होता है। तो अभी हमारा पुलिस और हमारा मजिस्ट्रेट लोग और बहुत से वॉलेंटियर्स लोग लगा हुआ है कि ये खेल जो है नहीं होना है। मैं परसों किमिन गया था, देखा है तो वहाँ पे लोग खेल रहा था और बातों बातों में सुनाई दे रहा था कि तालोपुतम आया, लेकिन मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। और ईटानगर में जो भी खेल रहा है चुप चुपा के खेल रहा है, और उसको डेली बेसिस में पुलिस और हमारा मैजिस्ट्रेट लोग राउंडिंग क्लॉक को उठा रहा है, केस बना रहा है। और मैं बहुत खुशी हूँ कि ईटानगर के लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है। पहले आप लोग देखा होगा कि रास्ता पे दिवाली का दिन में सभी लोग सड़क पे खेलता था, यहाँ से परमिशन दिया जाता था। तो अभी तो परमिशन तो नहीं दिया गया है और लोग ओपन खेलने का भी कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए। और दूसरा है, अभी जो क्रैकर्स का बात बोला है, आप लोगों को सभी को मालूम है कि हमारा जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है दिसंबर लास्ट तक 21 दिसंबर लास्ट तक अभी तक लागू है। हाँ, जबकि लोग कुछ गैदरिंग के लिए परमिशन मांगता है, रैली के लिए परमिशन मांगता है, तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला जाता है और परमिशन दिया जाता है। और इस समय हमारा जो स्टेट कैपिटल खास करके अभी जो कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट बोलो या कोई भी हो, बहुत ही कम हो गया। मेरा तो सीसी में जो पेशेंट था बहुत पहले क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से ये कोविड का जो ये एक्ट जो लागू किया गया है सारा देश में और स्टेट में, ये 21 दिसंबर तक ये है, 31 दिसंबर तक ये है, लागू है अभी भी। तो इसलिए ये क्रैकर्स और ये जो पब्लिक न्यूसेंस भी होता है, और लोग अपना से समझदारी है और एक दो आवाज़ सुनाई देता है चुप चुपा के, वो लोग खेल लेता है। लेकिन ओपनली अभी हमने क्रैकर्स सेल के लिए भी हमने परमिशन नहीं दिया है। काउंटर पार्ट असम से भी कवर लिया है कि वहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स वगैरह वो लोग का साइड एलो किया है। तो हमारे यहाँ लोग दिवाली, मेरा रिक्वेस्ट है कि दिया जलाइए और खुशी मिठाई सिताई बात के आपूर्ति कीजिए। तो पटाखा जब चलाते हैं साइड, मेरा हिसाब से नॉइज पोल्यूशन बहुत होता है, लोगों को बहुत डिस्टर्ब होता है, तो इसको नहीं करने से अच्छा है, सब हम लोग को सपोर्ट करने से अच्छा है। मैं किसी का खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है और सड़क पे जो लोग पटाखा उड़ाते हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप चुप चुपा के अगर करता है, सीसीटीवी में पूरा आ जाएंगे। मैं रात का 9 बजे तक यह चेक करता हूँ, ऐसे काम नहीं करना है जहाँ आपका साथ कुछ एक्शन लेना भी पड़ेगा। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि हमने परमिशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारे लिए इतना अभी सही नहीं है समय।